नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के बारे में। तो ये कंपनी काम काज क्या करती है आपको पता ही होगा। ऊर्जा ग्लोबल के बारे में तो आपने सुना ही होगा दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टर हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और ऐसा हो नहीं सकता आपको ऊर्जा ग्लोबल के बारे में पता ना हो, क्योंकि ये वो कंपनी जिसने अपने इन्वेस्टर को भर भर के पैसा दिया, मल्टी बैगर रिटर्न बना करके दिए। तो कंपनी काम काज क्या करती है, ऊर्जा ग्लोबल इज प्राइमरी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ द डिजाइनिंग, कंसल्टिंग, इंटीग्रेशन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, मेंटेनेंस ऑफ ग्रिड एंड ग्रिड कॉन्ट्रैक्टेड सोलर पावर प्लांट। तो दोस्तों सोलर से रिलेटेड भी काम काज है कंपनी का, और डिजाइनिंग से कंपनी का रिलेटेड काम काज है। तो बहुत ही बढ़िया काम काज, इसका मार्केट कैप आप देखेंगे तो 860 करोड़ का, यानी एक स्मॉल कैप कंपनी। करंट प्राइस आप देखेंगे 16.4 रुपये के आसपास है। 5 रुपये का स्टॉक हुआ करता तो 34 रुपये का इसने हाई मार दिया। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है, फेस वैल्यू 1 रुपये के आसपास है। वहीं आरओई देखेंगे तो 1.10% आपको देखने को मिलेगा। बुक वैल्यू देखेंगे 3.11% है। आरओसी देख लीजिए 1.72% है। स्टॉक पी आप देखेंगे 436 के आसपास है। अगर इसके मैक्सिमम चार्ट की बात की जाए दोस्तों यहाँ पर, तो जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तो 16 पैसे के आसपास लिस्ट हुई थी। वहाँ से लगातार कंपनी ट्रेड करती गई और यहाँ पर दोस्तों इसने 16.50 रुपये का हाई मार दिया 2010 के बाद में। फिर वहाँ से कंपनी लगातार गिरी। क्यों गिरी कि प्रमोटर्स, जो इस कंपनी के प्रमोटर्स थे, उनके होल्डिंग्स लगातार घटती गई, इसके लिए कंपनी गिरती गई। लेकिन दोस्तों 2020 के बाद, कोविड के बाद से यहाँ से कंपनी ने बाउंस बैक करना चालू किया, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी स्पीड से कंपनी ऊपर की तरफ गई है। 35 रुपये का हाई मार दिया दोस्तों, लेकिन उसके बाद से कंपनी गिरी। और ये जो युद्ध चल रहा है इसके कारण लगातार सभी कंपनी को शेयर्स गिरते जा रहे, तो इसके भी गिरे, और ये गिरने के साथ में यहाँ पर 15-16 रुपये के आसपास आकर के अटक गई, और यहीं पर अभी ट्रेड करते हुए आपको दिखाई दे रही है। कंपनी के प्रोस और कॉन्स की बात करेंगे तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री। दोस्तों पेनी स्टॉक है, छोटी कंपनी, इसको स्मॉल कैप कंपनी, फिर भी डेप्थ फ्री है। तो दोस्तों आपको उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए ऑलरेडी डेप्थ फ्री हो। अगर कंपनी पे कर्जा होगा तो आपको क्या रिटर्न्स देगी, कुछ रिटर्न्स देगी, आपके पैसे को डुबा देगी। तो ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री कंपनी है। वहीं पर इसके कुछ कॉन्स देखें तो काफ़ी सारी मात्रा में कॉन्स यहाँ पर देख लीजिए। कंपनी हाई डेबिटर्स है, और यहीं पर प्रमोटर्स की होल्डिंग्स भी घटती जा रही लगातार, और देख लीजिए स्टॉक ट्रेडिंग भी देख लीजिए 5.26 टाइम फॉर बुक वैल्यू। तो इसके कुछ कॉन्स ज़्यादा है, प्रोस काफ़ी कम आपको देखने के लिए मिल जाएंगे वहीं पर। अभी इसके लेटेस्ट प्राइस की हम बात करें, उससे पहले लास्ट 5 ईयर का चार्ट अगर आप यहां पर देखेंगे तो इसके रिटर्न्स बहुत ही शानदार है। लास्ट 5 ईयर में 1184% के रिटर्न्स कंपनी ने बना करके दिए। अगर आपने 1000 रुपये लगा दिया होता 5 साल पहले, तो आपके पैसे को इसने कम से कम 11000 रुपये के आसपास दोस्तों यहाँ से बना दिया। तो बहुत ही शानदार रिटर्न्स दे करके जा रही है कंपनी। वहीं पर 3 साल की बात करें तो 488% के रिटर्न्स पिछले 3 साल में स्टॉक ने निकाल करके दिए। 3 साल पहले स्टॉक की कीमत 2 रुपये के आसपास हुआ करती थी, जो कि अभी 16 रुपये के आसपास हो गई। वहीं 1 साल की बात करें तो 1 साल में भी इसने 124% के शानदार रिटर्न्स यहाँ पर बना करके दिए। वहीं 1 मंथ की बात करेंगे तो 1 मंथ में जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में गिरावट दर्ज की जा रही है, तो ये भी लगातार आपको यहाँ पर कभी ऊपर जाता हुआ दिखेगा, कभी नीचे जाता हुआ दिख रहा है। सबसे अच्छी बात है बीच बीच में यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ भी दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट लग रहा है, लेकिन स्टॉक ट्रेड भी कर रहा है। और अभी यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से देखेंगे, 4-5 दिन से लगातार अपर सर्किट में आपको स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मार्केट डेप्थ अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो मार्केट डेप्थ के अंदर 100% बाइंग क्वांटिटी, सेल करने के लिए कोई भी तैयार नहीं, सेलिंग जीरो है बिल्कुल, बाइंग कर रखा लोगों ने और बेचने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि सभी को पता है, जिन में इसने इन्वेस्ट किया है सभी को पता है कि स्टॉक बहुत ही मल्टी बैगर अच्छा रिटर्न्स दे करके जा रहा है। वहीं इसके रेवेन्यू की बात की जाए तो इसका रेवेन्यू पिछले 5 क्वार्टर्स में आप देखेंगे दोस्तों, तो दिसंबर 2020 में 38.73 करोड़ था, मार्च में 53.54 करोड़ हो गया, जून 2021 में 28 करोड़ हो गया, सितंबर में भारी गिरावट दर्ज की गई 21.7 करोड़ पर आ गया। लेकिन दिसंबर 2021 में फिर से इसने ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की, 24.95 करोड़ रुपये इसका प्रॉफिट आप देख सकते हैं। रेवेन्यू देख सकते, इसका प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी इसका शानदार है। देख लीजिए लास्ट के 3 क्वार्टर की बात करें तो बहुत ही बढ़िया 0.50 करोड़ के आसपास था, लेकिन 2 क्वार्टर की बात करें, लास्ट 2 क्वार्टर सितंबर 2021 और दिसंबर 2021 की, तो 0.22 करोड़ था सितंबर 2021 में, लेकिन दिसंबर 2021 के अंदर 0.31 करोड़ ये देखने को आपको मिल रहा है। वहीं पर नेटवर्थ की बात करें कंपनी की, लगातार 163 करोड़ के आसपास बनी हुई है इसकी नेटवर्थ। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अगर आप देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में प्रमोटर्स की होल्डिंग्स 31.97% है, वहीं रिटेलर्स की होल्डिंग्स 67.95%। तो रिटेलर्स ने काफ़ी विश्वास किया कंपनी पर, प्रमोटर्स के अलावा, प्रमोटर्स की तुलना में रिटेलर्स ने काफ़ी विश्वास जताया कंपनी के ऊपर दोस्तों। और लगातार जिस तरीके से इसका काम काज है दोस्तों, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, सोलर से कनेक्टेड इसका काम काज है। वहीं पर ई रिक्शा बैटरीज, तो जो ई रिक्शा आ रही, इलेक्ट्रॉनिक वाहन आ रहे हैं दोस्तों, तो उन इलेक्ट्रॉनिक वाहन में
कंपनी अभी काम काज कर रही है, जिसकी जो बैटरी सबसे मेन चीज़ इसकी बैटरी है दोस्तों, और LED लाइट, ई रिक्शा के अंदर ऊर्जा, ई रिक्शा ऊर्जा इको, ई रिक्शा केंद्र। तो दोस्तों जो भी LED से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कंपनी का कामकाज हुआ है, और भविष्य में आने वाले 2 से 3 साल के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, तो जिस तरीके का इसका कामकाज, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है दोस्तों, तो ये मल्टीबैगर रिजल्ट दे सकता है आपको, मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है, और है पहले से, और आगे भी बहुत ही शानदार रिजल्ट दे सकता है। तो अगर आप इस स्टॉक से इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक में, तो इस पर नज़र बना करके